दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Redmi Note 13 Pro 5G स्मार्टफोन को Redmi Note 13 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Redmi 13 Pro के अंदर हमें 6.67 इंचेस की 1.5K वाली AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ 13 Pro Plus के अंदर हमें 6.67 इंचेस की 1.5K वाली 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5K वाली AMOLED डिस्प्ले मिल रही भी अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगी। लेकिन यार अगर आपको कर्व डिस्प्ले के हिसाब से स्मार्टफोन लेना ना भाई कि देखने में लगे हां यार कोई प्रीमियम फोन आपने हाथ में पकड़ रखा है, तब आप यहां पर डेफिनेटली 13 Pro Plus की तरफ ही जरूर से जाइए। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। भाई टॉप लेवल स्क्रीन प्रोटेक्शन आपको दोनों फोन्स के अंदर दी गई है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आते हैं जो कि MIUI 14 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। बस यार जो दोनों फोन्स की UI है ना भाई ब्लोटवेयर आपको जरूर से देखने को मिल जाएंगे, उसका आप ध्यान रखिएगा। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे जो कि काफी अच्छी बात है। चिपसेट की अगर हम बात करें तो Redmi Note 13 Pro के अंदर हमें Snapdragon 7S Gen 2 5G चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ 13 Pro Plus के अंदर हमें Dimensity 7200 Ultra 5G चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है। लेकिन यार अगर आपको और भी बढ़िया वाली गेमिंग करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली Redmi 13 Pro Plus की तरफ जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Dimensity 7200 अल्ट्रा मिल रहा है जो कि सही में यार एकदम बढ़िया वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में किसी वाले कोई बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। ओजन का कैमरा सेटअप है ना यार बिल्कुल सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा वो है 200 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों 13 Pro का जो मेन कैमरा है ना भाई 200 मेगापिक्सल का, भाई बढ़िया डिटेलिंग के साथ में फोटोज को क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। भाई 13 Pro के कैमरा सैंपल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं, लेकिन स्टिल यार अगर आपको और भी अच्छी डिटेलिंग के साथ में फोटोज को क्लिक करना है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली 13 Pro Plus की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है ना 200 मेगापिक्सल का, भाई बढ़िया चिपसेट होने की वजह से ना एकदम बढ़िया वाली फोटोज क्लिक कर रहा है। भाई कैमरा सैंपल्स आप 13 Pro Plus के भी स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं। सही में मुझे खुद इसका मेन कैमरा काफी ज्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि डिटेलिंग ज्यादा बढ़िया दे रहा है फोटोज के अंदर। और साथ ही दोस्तों अल्ट्रा वाइड कैमरा हमें दोनों फोन्स के अंदर मिल रहा है जो कि काफी अच्छी बात है। मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए यहां पर दोनों स्मार्टफोन OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। भाई सेल्फी लवर के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, क्योंकि दोनों फोन्स का जो फ्रंट कैमरा है ना बढ़िया डिटेलिंग के साथ में फोटोज को कैप्चर कर देता है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो Redmi 13 Pro यहां पर 5100 mAh की बैटरी के साथ में आता है जो कि 67 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ Redmi 13 Pro Plus यहां पर 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है जो कि 120 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। देखिए दोस्तों थोड़ी सी और बड़ी बैटरी चाहिए तब आप यहां पर 13 Pro की तरफ जाइए, लेकिन यार एकदम अल्टीमेट वाली फास्ट चार्जिंग चाहिए ना भाई, तब आप यहां पर 13 Pro Plus की तरफ ही जरूर से जाइए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन से यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें Redmi 13 Pro के अंदर दिया गया, लेकिन यार 13 Pro Plus के अंदर हमें नहीं दिया गया, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स हमें दोनों फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि Redmi Note 13 Pro स्मार्टफोन के 8+256GB वेरिएंट की अप्रोक्स प्राइसिंग है 27,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन के 8+256GB वेरिएंट की अप्रोक्स प्राइसिंग है 31,000 रुपए। और दोस्तों जो प्राइसिंग है ना भाई वो ऑफर्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले के हिसाब से स्मार्टफोन चाहिए और बड़ी बैटरी चाहिए, तब आप यहां पर डेफिनेटली Redmi Note 13 Pro की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको कर्व डिस्प्ले
कैमरे के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है, जहां पर आपको अल्टीमेट वाली फास्ट चार्जिंग मिल रही हो 120 वॉट की और कैमरा भी इंप्रूव्ड मिल रहा हो, तब आप यहां पर डेफिनेटली Redmi Note 13 Pro Plus की तरफ ही जरूर से जाइए। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। और ठंड लग रही